हे गाइस, वेलकम बैक टू वी फॉर ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो की इस टाइम पे सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इस टाइम पे लॉकडाउन है और सारे पार्लर और सलून वगैरह बंद हैं। और इवन अगर कहीं खुले भी हैं तो अभी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कंट्री में सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो इस टाइम पे बाहर ना निकलने में ही समझदारी है, आपको घर पे ही रहना चाहिए। और आपको वैक्सिंग करनी है तो आपको घर पे करना चाहिए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे घर पे खुद से अपना वैक्स बना सकते हैं और खुद से अपनी वैक्सिंग कर सकते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि ये वैक्स आपके सिर्फ अभी काम नहीं आएगा, बाद में भी काम आएगा, क्योंकि ऐसा बाद में भी हो सकता है कि आपको कहीं जाना है, आपको अर्जेंटली वैक्सिंग करवानी है और आप नहीं जा सकते वैक्स करवाने, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, उस टाइम पे भी ये आपके काम आएगा। क्योंकि आप इसको घर बैठे बनाने वाले हो, इसमें जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो सारी आपके किचन में अवेलेबल हैं। आप किचन में जाके इसको आराम से बनाने वाले हो, तो आप इसको दिन हो रात हो, कभी भी, आज नहीं 10 साल बाद भी कभी भी आप इसको से यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको इस वैक्स में नॉर्मल जो हॉट वैक्स होता है उससे काफ़ी कम पेन होता है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिन्होंने भी वैक्सिंग करवा रखा है उनको पता है कि वैक्सिंग में कितना ज़्यादा पेन होता है। जिन्होंने कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पेन कम होता है। ये हेयर फॉलिकल्स को पुल नहीं करता, सिर्फ हेयर को निकालता है, और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने इस वैक्स को बहुत बार बना लिया है तो मैं इजीली बना लेती हूँ, लेकिन अगर आप पहली बार बनाने जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आप पहली बार में ही इसे सक्सेसफुली बना करके यूज़ कर पाएँ। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप शुगर। शुगर आप कोई सा भी ले सकते हो, ब्राउन भी ले सकते हो, वाइट भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पाउडर शुगर नहीं लेना है, आपको दानेदार चीनी लेनी है, क्योंकि अगर आप पाउडर्ड लेते हो तो आपका वैक्स अच्छा नहीं बनेगा। इसके बाद हमें लेना है 2 नींबू यानी कि लेमन। और इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, ये बर्तन थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, जिससे इसमें जब बॉयल आए तो कुछ भी बाहर ना गिरे। थोड़े से गहरे बर्तन में इस 1 कप चीनी को आपको डाल देना है, और उसके बाद सारी चीज़ें आपको इसी कप से लेनी है, सो दैट क्वान्टिटी बिल्कुल ठीक आए। इसी कप से आपको 1/4 कप पानी लेना है और इसमें ऐड करना है। और इसके बाद ये जो आपने 2 नींबू लिया है, इसका जूस आपको निकाल लेना है और इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ पर बीज निकालना भूल गई थी, आप पहले से बीज निकाल लेना, या अगर आप भूल भी गए हो तो मेरी तरह बाद में निकाल लेना। और फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसको गैस पे रखेंगे गर्म होने के लिए। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, सो दैट ये नीचे ना लगे, और इसमें बॉयल भी नहीं आने देना है, ताकि ये हार्ड ना हो, क्योंकि अगर इसमें बॉयल आएगा तो फिर ये टाइट हो जाएगा और फिर आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसे लगातार चलाते जाना है, और अगर बीच में आपको लगता है कि ये उबल रहा है तो उस टाइम आपको इसे गैस से हटा देना है। पहले तो आप फ्लेम लो करो, अगर फ्लेम लो करके भी ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आप 1-2 सेकेंड के लिए इसे गैस से हटा दो। आप ऐसा मत सोचना कि आप बिल्कुल लो फ्लेम पे पका रहे हो तो ये बॉयल आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसे 2 सेकंड के लिए हटा दो, और जब ये थोड़ा काम डाउन हो जाए तो वापस इसे आप गैस पे रख दो। ऐसे करते करते जब आप इसे लगभग 5 मिनट पका लोगे तो ये थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाएगा कलर में, थोड़ा ब्राउनिश टाइप, ब्राउनिश भी नहीं, हल्का गोल्डन। और उस टाइम पर आपको इस सिरप को लेना है और इसे डालना है आपको ठंडे पानी में, और जो पानी आपको लेना है वो पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने इस पानी में आइस क्यूब्स ले रखे हैं, और अगर आप आइस क्यूब्स नहीं भी ले रहे हो तो आपको पानी बिल्कुल ठंडा लेना है, फ्रिज का पानी लेना है आपको, और उसमें इस सिरप को आपको थोड़ा सा डालना है। उस टाइम पे अगर ये सिरप पानी में मेल्ट हो जाता है तो आप समझ जाना कि आपका वैक्स अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी आपको और पकाने की ज़रूरत है। और अगर ये सिरप पानी में पड़ने के बाद आराम से उठ के हाथ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर मेरा उठ के हाथ में आ गया है, तो फिर समझ लेना कि आपका वैक्स बिल्कुल तैयार है। इस टाइम पर आपको गैस बंद कर देना है और इस वैक्स को आपको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना है। और आप जिस बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कंटेनर या तो ग्लास का यानी कि कांच का होना चाहिए, या फिर स्टील का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे प्लास्टिक में रखोगे तो हो सकता है कि वो पिघल जाए, हो सकता है आप इसे उठा भी ना पाओ, तो इसलिए आपको कांच या फिर स्टील ही यूज़ करना है, और इसे आपको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है।
जब तक हमारा वैक्स ठंडा होता है हम तैयार कर लेंगे अपने वैक्स स्ट्रिप्स। और इसके लिए अगर आपके पास मार्केट वाले वैक्स स्ट्रिप्स हैं तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप मेरी तरह जींस से बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक पुरानी जींस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पुरानी जींस नहीं है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप कोई नॉर्मल कॉटन बेडशीट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टी शर्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, तो उसे अगर आप लगाएंगे और फिर उसे खींचेंगे तो वो स्ट्रेचेबल है इसलिए वो खींचेगा और आपका वैक्स जल्दी से निकल के नहीं आएगा, उल्टा आपको पेन ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि कोई जींस ही यूज़ करिए, और जींस को आपको ऐसे ही कट करना है जैसे मैंने यहाँ पे पतले पतले स्ट्रिप्स में कट किया है, जैसे नॉर्मल वैक्स स्ट्रिप्स होते हैं वैसे पतले पतले लंबे लंबे आपको कट करने हैं। और जिस तरह से मैंने यहाँ अपनी जींस को काटा है, अगर आप इस तरह से जींस को काटते हैं तो आप उस जींस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पैर को काटा है वैसे आप दूसरे पैर को काट दीजिए और इसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैक्स स्ट्रिप्स को काट के साइड रख देने के बाद हमें अपनी स्किन को तैयार करना है वैक्सिंग के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वैक्सिंग के बाद इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है वैक्सिंग से पहले स्क्रब करना। और अगर आपको नहीं भी होती इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम तो अगर आप स्क्रब करके फिर वैक्स करते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी भी नहीं। और यहाँ पर स्क्रब करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चीनी, चावल का आटा और हनी, इन तीनों को मिक्स करके मैंने अपना स्क्रब बनाया है। आप चाहें तो घर में बनाया हुआ भी कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट से लिया हुआ कोई रेडीमेड स्क्रब भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे स्क्रब के, आप उनमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को देख के उनमें से कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, चाहे होममेड या रेडीमेड, जो भी आपको पसंद हो। स्किन की अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद आपको स्किन को क्लीन करना है, और क्लीन करने के लिए सिर्फ पानी से नहीं धोना है आपको, आपको सोप यूज़ करना है या फिर बॉडी वॉश यूज़ करना है, जो भी आप यूज़ करते हैं। और क्योंकि स्किन में अगर कोई ऑयल रह गया या गंदगी रह गई तो आपका वैक्स अच्छे से चिपकेगा नहीं, और जब वो बालों में अच्छे से चिपकेगा नहीं तो बाल निकल के नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको अपने हाथों को, पैरों को, या जहाँ भी आप वैक्स कर रहे हैं उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है और फिर आपको इसे धो लेना है। और धोने के बाद आपको इसे पोंछ लेना है, किसी भी तरह का पानी, कोई भी नमी आपकी स्किन पे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इसे ड्राई कर लेना है। इसके बाद आपको लेना है पाउडर, कोई सा भी पाउडर आप ले सकते हैं जो भी आप बॉडी पे यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप मक्के का आटा भी ले सकते हैं, उसे लेके जहाँ भी आपको वैक्स करना है वहाँ पे अच्छे से लगा दीजिए। और लगाने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे अपना वैक्स। इस टाइम तक आपका वैक्स ठंडा हो चुका होगा, जब तक आप ये सब करोगे आपका वैक्स ठंडा हो चुका होगा। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना वैक्स को, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो, जितना मतलब आप सह पाओ उतना गर्म हो, बल्कि उससे भी कम, हल्का सा ही गर्म हो। उस टाइम पर आपको अपने बॉडी पे लगाना है जहाँ भी आप वैक्स करना चाहते हो, और आप इसे छोटे छोटे एरिया में करो, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, पहली बार करने जा रहे हो तो आपसे गलती हो सकती है, इसलिए आप इसे छोटे छोटे एरिया में लगाओ तो आप आसानी से पूरा वैक्स कर लोगे, आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। और इसे लगाते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल वैक्स को आप हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में लगाते हो, पर इस वैक्स को आपको हेयर ग्रोथ के उल्टे डायरेक्शन में लगाना है। उल्टे डायरेक्शन में लगाइए और छोटे एरिया में लगाइए। अब जो भी आप वैक्स स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं उसे आप इस पे अच्छे से चिपका दीजिए, जितने दूर आपने वैक्स लगाया उतने दूर अच्छे से चिपका दीजिए। और चिपकाने के बाद जब ये पूरा पकड़ ले उसके बाद आपको इसे एक बार में खींचना है, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसे ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, इसे स्किन से जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज रख के आप खींचिए, तो फिर आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे हाथों में ज़्यादा बाल थे नहीं तो इसलिए आपको शायद कैमरे में ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि इस वैक्स को यूज़ करते मुझे ऑलमोस्ट एक साल हो चुके हैं। मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन के वक्त इस वैक्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था, और इस टाइम तक ये मेरे हेयर ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा कम कर चुका है, क्योंकि ये वैक्स सच में हेयर ग्रोथ को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। नॉर्मल वैक्सिंग में ऐसा नहीं होता है कि आप वैक्सिंग कर रहे हो आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, उल्टे बढ़ जाती है, लेकिन इस वैक्स को यूज़ करने से मैंने एक चीज़ तो पक्का नोटिस किया है कि मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है। और इस वैक्स में ऐसे ही पेन कम होता है, और जब आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी तो पेन और भी कम होगा। तो इस वैक्स को बनाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर वैक्स बच गया है तो आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम उसे यूज़ करने के लिए आपको उसे गर्म करना है, लेकिन गर्म करना है आपको डबल बॉइलिंग मेथड से, मतलब नीचे एक बर्तन में आपको पानी रखना है और पानी में इसको रख के आपको गर्म करना है। जैसे ही ये थोड़ा मेल्ट हो जाए उसके बाद आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इस वैक्सिंग की एक बहुत अच्छी बात है कि किसी भी मोमेंट अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर
आप पहली बार वैक्सिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि जो लोग रेगुलर वैक्सिंग करवाते हैं उन्हें पता है कि नॉर्मल वैक्सिंग में से ज़्यादा पेन होता है, तो उन्हें तो लगेगा अरे वाह इसमें तो बहुत कम पेन हो रहा है और इतना सस्ता वैक्स, अब तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। लेकिन जिन्होंने कभी वैक्सिंग नहीं की है उन्हें शायद लग सकता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो किसी भी टाइम ये चीनी है, आप इसे धोगे निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने लगा लिया है तो आपको इसे निकालना ही है, आप पानी डालो इसे धो दो और हटा दो। और जब आपने पूरा वैक्स कर लिया है, अगर सक्सेसफुली आप पूरा वैक्स कर लेते हो, तो इसके बाद आप अपनी स्किन पे एलोवेरा जेल या कोई भी सूदिंग लोशन लगा लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन रेड हो जाती है वैक्सिंग के बाद, इवन मेरी भी स्किन रेड हो जाती है तो मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ। तो जाइए जल्दी से बनाइए इस वैक्स को और कर डालिए वैक्सिंग और छुटकारा पा लीजिए अपने अनवांटेड हेयर से और साथ ही साथ टैनिंग से, क्योंकि ये जो वैक्स है ये आपकी टैनिंग को भी रिमूव करने में हेल्पफुल है। और वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि मैं सारी चीज़ों को कवर करूँ इस वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ रह गया हो, अगर कोई क्वेरी हो आपके मन में, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिप्लाई ज़रूर करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। आप वीडियो देख लेते हैं और भाग जाते हैं, भूल जाते हैं लाइक करना, लेकिन प्लीज़ अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें। और इस वीडियो की ज़रूरत इस टाइम आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी है, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करिए। और मैं मिलूँगी आपसे फिर एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।